कहा जाता है मेरे दोस्त कि हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया, कि हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यह रोते बिलखते वीडियो देख रहे हैं जो आपको बता दे कि हरियाणा के फतेहगढ़ जिले का लाल शहीद जवान विकास कुमार राठ का अंतिम विदाई का वीडियो है। आपको बताते चले कि यह जवान देश की सेवा देते हुए शुक्रवार में सिक्किम में सड़क दुर्घटना की चपेट में आकर यह जवान शहीद हो गए थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही पैतृक आवास पर लाया गया तो पार्थिव शरीर को देखते ही वीरांगना पत्नी और उनके 6 महीने के मासूम बेटे के सभी को रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। आपको बताते कि गाँव पीली मंदर के खेल स्टेडियम के जवान अंतिम विदाई दी गई। यह वही स्टेडियम है जहां विकास अपने खेल के लिए राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचे हुए थे। आपको बताते चले कि विकास कुमार बीते कई वर्षों से लगातार देश की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि अब हमारे बीच नहीं रहे। मात्र 24 वर्ष की उम्र में यह जवान, जिस उम्र में हम लोग हंसते खेलते हैं उस उम्र में यह जवान देश की सेवा देते हुए शहीद हो गए हैं। आपको बताते चले कि शहीद जवान विकास कुमार राठ 6 महीने पहले पिता बना था। 6 महीने मासूम बेटे का भी पिता का साया उठ गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि विकास और उनके बड़े भाई की शादी करीब 2 साल पहले दोनों के एक ही साथ हुआ था। शादी के बाद अब विकास का 6 महीने के एक मासूम बेटे थे जिनका भी पिता का साया टूट गया है। आपको बताते चले कि बेटा से ठीक से पहले पहचानने लायक भी नहीं हुआ था, विकास शहीद हो गए हैं। 3 महीने पहले ही वह गांव आया था। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि यह हादसा शुक्रवार को करीब 8 बजे सिक्किम में हुआ था। उस दौरान आपको बताते चले कि ट्रक में लगभग 20 जवान सवार थे, जिनमें से 4 जेसीओ और वही 16 सैनिक था, जिनमें से 13 सैनिक और 3 जेसीओ शहीद हो गए हैं। सोमवार का दिन सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर जैसे ही पैतृक आवास पर लाया गया तो पार्थिव शरीर को देखते ही वीरांगना पत्नी और इनके माँ और पिता मासूम बेटे का रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। शहीद जवान का अंतिम यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा विकास राठ तेरा नाम रहेगा नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक किला के। शहीद जवान का अंतिम यात्रा में डीजे बाजे के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में लोग सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे। शहीद जवान का अंतिम यात्रा में महिलाएं एवं पुरुष सभी इनके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला बरसा रहे थे और सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए। बाकी में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोते हैं। अगर शहीद जवान विकास कुमार के लिए आप लोग को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें ताकि मेरा चैनल को सभी भाई लोग जो आर्मी से रिलेटेड रहते हैं वह